हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों यह है मेरा वीडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। इसकी बैटरी है 83% चार्ज और रेंज दिखा रहा है 83 किलोमीटर की इको मोड पे। दोस्तों इस गाड़ी को मैंने सिटी में और एक दो बार हाईवे पे यूज़ किया है, पहाड़ी वगैरह पे मैं उसको अभी तक लेके नहीं गया हूँ एक बार भी। तो दोस्तों आज इसको अपन पहाड़ी पे लेके चलेंगे, और पहाड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है दोस्तों। ये आप जो रोड देख रहे हैं ये जाएगा सीधा ताड़ागढ़, और मैं आपको आज वीड़ियो में यही दिखाऊँगा कि ये पहाड़ी वगैरह पर चढ़ने में कैसा रहता है। और आपको भी दोस्तों वीडियो में धक्का दिख जाएगा कितना ऊँची पहाड़ी पर हम इसको आज लेके जाने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आगे तक बने रहे ताकि आपको सब कुछ पता पड़े इस वीडियो में। आइए अब राइड स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। मैं अकेला ही राइड करूँगा इस पर, और गाड़ी इको मोड पे ही है और मैं इसको इको मोड पे रखूँगा जहाँ तक कि जाएगा। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो ही मैं इसमें स्पोर्ट मोड लगाऊंगा मैं, क्योंकि देखना चाहता हूँ इको मोड पे कहाँ तक जाता है। यहाँ से तारागढ़ किले का रोड चालू हो गया, आप देख सकते हैं बोर्ड भी आ गया, और इसी रोड पर आपको महाराणा प्रताप जी का स्मारक भी मिलेगा। वहाँ तक तो यहाँ की चढ़ाई कोई ज़्यादा खास नहीं है, उसके बाद में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है वो, क्योंकि बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं आगे। ये आ गया पहला मोड़, ये देखिए, ये तो मोड़ अभी कुछ भी नहीं है। महाराणा प्रताप जी का स्मारक पार करने के बाद में ये मोड़ और तीखे हो जाएंगे और पहाड़ी और बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, जिसमें गाड़ी का टेस्ट अच्छे से हो जाएगा कि कितना चढ़ेगा इको मोड पर और क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी क्या नहीं आएगी। और इसमें एक चीज़ और टेस्ट हो जाएगी दोस्तों आज की, जैसे अभी गर्मी का टाइम है और राजस्थान में गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है अभी, ये मिट्टी आ गई यहाँ पर, थोड़ा गाड़ी को धीरे करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि अभी राजस्थान में गर्मी का टाइम है, बिल्कुल तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पर अभी, और टाइम भी दिन का हो रहा है धूप का। तो इसमें ये भी चेक हो जाएगा कि गाड़ी कहीं हीट तो नहीं होती, इसमें हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो भी अपन देख लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इस गाड़ी में ऊबड़ खाबड़ रोड पे इस तरीके की आवाज़ आती है जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। ये ऐसी आवाज़ आती है जैसे कुछ ढीला है या क्या पता नहीं क्या नट बोल्ट ढीले हैं। ये दो बार तीन बार मैंने कंपनी में चेक भी करवा दिया है, लेकिन फिर भी कोई इसका कोई सलूशन नहीं हो पाया, जो कि आपका सारा राइड एक्सपीरियंस ख़राब करती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसमें इस तरीके की आवाज़ें। अब यहाँ से धीरे धीरे करके पहाड़ी खड़ी होने शुरू हो जाएगी और ये मोड़ भी तीखे हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये पड़ी हुई है यहाँ मिट्टी, जो कि बारिश के टाइम में बह के आती होगी यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि पहाड़ी है ना ये। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल तीखे मोड़ आ रहे हैं और बीच में मिट्टी वगैरह भी आ रही है और रोड भी ख़राब है, इस वजह से गाड़ी की स्पीड ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पा रही है। 20-25 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, और मुझे जहाँ पे क्लियर रोड मिल रहा है, जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर मैं उसको खींच रहा हूँ, ताकि गाड़ी में हीटिंग इशू वगैरह का भी पता पड़ जाए आज। दोस्तों मैंने काफ़ी दूर तक गाड़ी चला ली है और मैं मतलब करीबन काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ। अब मैं कहीं पर रुक के आपको यहाँ से अजमेर का व्यू दिखाऊंगा, और इससे आपको एक हाइट का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने उस गाड़ी को कितनी हाइट पे लेके आ चुके हैं और कितनी हाइट पे हमें और जाना है। और मैं आपको यहाँ से अजमेर शहर दिखाऊँगा पूरा, जो कि यहाँ से पूरा दिखेगा। दोस्तों ये आगे जगह दिख रही है, गाड़ी यहीं पार्क कर लेते हैं साइड में, और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ अजमेर का। ये कर दिया हमने गाड़ी यहीं पार्क। दोस्तों यह है अजमेर सिटी, जो कि यहाँ से आप पूरी देख सकते हैं, पूरी दिख रही है, और ये है वो रोड जिससे हम चल के आए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी आती हुई दिखेगी आपको, कितनी छोटी गाड़ी दिख रही है। दोस्तों अब यहाँ से आप देख लीजिए कितनी हाइट पे मतलब हम इस गाड़ी को लेके आए हैं, और अभी हमें और ऊँचा जाना है। तो आइए दोस्तों अब राइड वापस स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरीके की, और गाड़ी इको मोड पे चल रही है और एक्सीलरेशन भी बहुत अच्छा ले रही है। मुझे जहाँ मौका मिल रहा है मैं वहाँ गाड़ी खींच रहा हूँ, कोई हीटिंग इशू वगैरह अभी तक तो दिखा नहीं है। दोस्तों आगे कोई हीटिंग इशू आएगा तो देखते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पृथ्वीराज स्मारक, ये है यहाँ की पार्किंग, और ये आ गया यहाँ पे बोर्ड पृथ्वीराज स्मारक का।
अब मैं यहाँ पे गाड़ी 2 मिनट रोकता हूँ ताकि मैं अपना कैमरा ठीक कर लूँ, क्योंकि मेरा कैमरा हिल गया है, रोड इतना ख़राब है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अपनी राइड वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना कैमरा ठीक कर लिया है। दोस्तों आप ये जो सामने देख रहे हैं ये है पृथ्वीराज जी का स्मारक। यहाँ पे पृथ्वीराज जी का कुछ सामान रखा हुआ है पब्लिक को दिखाने के लिए, जो कि आप अजमेर कभी आएँ तो यहाँ पर आके देख सकते हैं। ये आगे चेतावनी के बोर्ड कि अपने ब्रेक वगैरह जांच लीजिए, क्योंकि आगे की जो रोड है बिल्कुल खड़ी पहाड़ी का रोड है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से ये चढ़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे रोड थोड़ा ठीक आया है, टूटा फूटा नहीं है, तो गाड़ी अभी तक तो इको मोड पे चल रही थी। अब हम इसमें स्पोर्ट मोड लगा देते हैं और गाड़ी को थोड़ा खींच के देखते हैं, क्योंकि इससे हीटिंग इशू वगैरह का इसमें पता पड़ेगा अगर मोटर गर्म नहीं होगी तो। आगे फिर मोड आ गया है, इसलिए हमें गाड़ी की स्पीड फिर धीरे करनी पड़ेगी। बाकी गाड़ी एक्सेलरेशन अच्छा ले रही है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं लग रही गाड़ी में किसी तरीके की भी। पीछे बाइक वाले भैया आ रहे हैं, इनको साइड दे देते हैं। दोस्तों ये क्योंकि मोटरसाइकिल है इसके व्हील बड़े होते हैं, और ये स्कूटर है इसके व्हील छोटे होते हैं, इसलिए स्कूटर वगैरह थोड़ा जैसे स्लिप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, हम इसलिए इसको धीरे चला रहे हैं। और दूसरा हम गाड़ी चेक करने के हिसाब से लेके आया था। ये देखिए दोस्तों, मैं चाहूँ तो उसको एक ही बार में चला सकता हूँ, लेकिन मैं उसको पूरा रोक के बिल्कुल स्पीड कम करके फिर वापस उठाता हूँ, ताकि जिससे हमें इसका पिकअप भी पता पड़ जाए और गाड़ी में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है वो भी पता पड़ जाए। दोस्तों जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गर्मी भी तेज़ होती जा रही है और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। हाथ में तो ऐसे हो रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ही जल रहे हैं, मतलब बुरी तरह से, क्योंकि हाइट बढ़ रही है ना इसलिए। दोस्तों मैं काफ़ी हाइट पर आ चुका हूँ, यहाँ के सब गाड़ियाँ लोड लेने लग गई हैं और सबकी स्पीड कम हो गई है। मैं लगभग ऊपर पहुंचने वाला ही हूँ। ये बाइक वाले भैया पहले आगे निकल गए थे, अब इनकी भी गाड़ी लोड लेना शुरू हो गई है और इनकी स्पीड स्लो हो गई, हमने इनको कर लिया ओवरटेक। आगे वैन जा रही है, उसकी भी स्पीड दोस्तों स्लो हो गई है। आगे फिर मोड़ आ गया, बिल्कुल ख़राब मोड़ है दोस्तों, और यहाँ पर रोड भी ख़राब है, खड्डे हैं बहुत बड़े बड़े, इसलिए हमें इनको बचाते हुए निकलना पड़ेगा यहाँ से। लीजिए दोस्तों हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये मोड़ के बाद में आपको ताड़गढ़ किला दिखेगा बिल्कुल सामने, ये है इसका बिल्कुल टॉप पहाड़ी का, जहां हमें आना था हम वहाँ आ चुके हैं। अब मैं आपको यहां से यहां का पूरा अजमेर का नज़ारा दिखाऊंगा, यहां से पूरा अजमेर दिखेगा और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा। दोस्तों हम इसको कितनी हाइट पर लेके आए हैं आज गाड़ी को टेस्ट करने के लिए। ये सामने दोस्तों दिख रहा है जो, यही है ताड़गढ़ किला। वैसे तो दोस्तों यहाँ आने का मज़ा बारिश के टाइम में है, लेकिन मैं तो कोई गाड़ी चेक करने आया था इसलिए आज आना पड़ा मुझे यहाँ पे। बाकी बारिश के टाइम में बहुत अच्छा नज़ारा आता है और बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है आके, हरियाली हरियाली दिखेगी हर जगह आपको। अभी तो खैर दोस्तों बारिश इतनी आई नहीं है, जितना भी है मैं आपको भी दिखा देता हूँ गाड़ी रोक के। दोस्तों ये है कुछ अजमेर का नज़ारा, यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि हम बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ से आप नज़ारा देखिए पूरा अजमेर का। ये है हमारा अजमेर राजस्थान, और ये है दोस्तों ताड़गढ़ किला। दोस्तों इस किले में काफ़ी पुरानी मीरान साहब की दरगाह है जो कि बहुत फेमस है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और ये है इसकी किले की दीवार दोस्तों। दोस्तों ये जा रहा हमारे ऊपर से एरोप्लेन, एरोप्लेन कितना नज़दीक दिख रहा है दोस्तों यहाँ से। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।